हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पॉइंटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉइंटर का ये वीडियो देखने के बाद आपको पॉइंटर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन शुरू करते हैं। पॉइंटर ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी और वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। मान लीजिए हमें किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस एक्सेस करना है, तो हम पॉइंटर की हेल्प से उस एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्लोट डेटा टाइप का एक DH वेरिएबल क्रिएट किया है। जैसे ही हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वो अपनी डेटा टाइप की साइज के अकॉर्डिंग मेमोरी में उतनी साइज को रिजर्व कर लेता है। यहाँ पे डेटा टाइप फ्लोट है, तो फ्लोट की साइज होती है 4 byte, तो इसने यहाँ पे रेंडमली कहीं भी मेमोरी में 4 byte को रिजर्व कर लिया है। अब इसने मेमोरी में कहीं 4 byte को रिजर्व किया, तो उसका कोई तो एड्रेस होगा। मान लीजिए इस केस में ये एड्रेस, इस टाइप के कुछ एड्रेस आते हैं जो कि हेक्साडेसिमल में होते हैं, तो इन्हीं एड्रेसेस को हम पॉइंटर्स की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने DH वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर दी, तो जैसे ही हम कोई वैल्यू उसमें रखेंगे, तो वो वैल्यू उस DH वेरिएबल के एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगी। यानी इस केस में यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर हो गई। अब इस वैल्यू को हम या तो इस वेरिएबल की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इस एड्रेस की हेल्प से ही एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एड्रेस की हेल्प से एक्सेस करना है, तो इस केस में हम पॉइंटर की हेल्प लेंगे। पॉइंटर का डेटा टाइप वही होगा जिसके एड्रेस को ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है। इस केस में ये DH के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इसलिए इसका डेटा टाइप फ्लोट ही होगा। और फ्लोट के बाद हम यहाँ पे डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाते हैं, जो कि पॉइंटर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद किसी भी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे M% या CPP में हम इसे एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं, तो ये लगाने के बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अब इस PTR वेरिएबल में इस DH का मेमोरी एड्रेस स्टोर है। अब हम इस PTR को अगर प्रिंट कराएंगे, तो इसका मेमोरी एड्रेस हमें मिलेगा। और अगर इस मेमोरी एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है, तो इस PTR को फिर से डी रेफरेंस करना होता है। तो जैसे हम इसे डी रेफरेंस करेंगे, तो हमें इस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू मिल जाएगी। पॉइंटर की हेल्प से हम पूरे के पूरे एरे को भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए हम इस केस में यहाँ पे एक 6 size का एरे क्रिएट कर रहे हैं, तो जैसे ही हम ये एरे क्रिएट करेंगे, तो ये मेमोरी में इसके डेटा टाइप और इसकी साइज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल किसी स्पेस को रिजर्व कर लेगा। एरे कंटिजुअस मेमोरी लोकेशन को फॉलो करता है, तो हम किसी भी एक इंडेक्स की मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करके उसके आगे के मेमोरी एड्रेसेस को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने पॉइंटर को बताएंगे कि पॉइंटर भाई साहब, आपको एरे की 0th इंडेक्स का एड्रेस स्टोर करना है। इसी चीज को हम इसी टाइप से भी लिख सकते हैं, सीधे ARR लिखेंगे तो भी पॉइंटर में एरे के 0th इंडेक्स का एड्रेस स्टोर होगा। जब हम इसे प्रिंट करेंगे, तो PTR को प्रिंट करने पे एरे के 0th इंडेक्स का एड्रेस प्रिंट होगा, और जब इसे डी रेफरेंस करेंगे, तो 0th इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब उस एड्रेस के आगे किसी एड्रेस को या आगे के किसी इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को हमें प्रिंट करना है, तो हम उसमें ऐड करके आगे की वैल्यूज या एड्रेसेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके आउटपुट के लास्ट पेयर को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये वास्तव में कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन हो रहा है। अगर हम ऑब्जर्व करें, तो यहाँ 4 के बाद 8 आया है, 8 के बाद 12 आया है, यानी हेक्साडेसिमल में ये 12 है, फिर 0 और फिर 4। अगर लास्ट पेयर को ही हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में समझें, तो 4 से लगाकर 7 तक के जो इंडेक्स है वो 1 के लिए एलोकेट हुए होंगे, और फिर 8 से लगाकर B तक के इंडेक्स 2 के लिए एलोकेट हुए होंगे, और C से लगाकर F तक के इंडेक्स 3 के लिए एलोकेट हुए होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अगर हम देखें, तो F के बाद जो फर्स्ट कैरेक्टर है लास्ट पेयर का, वो 0 हो चुका है, यानी फिर से यहाँ से हमारी मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट हुई होगी, और 0 से लेकर 3 तक के इंडेक्स इस 4 को एलोकेट हुए होंगे, और 4 से लगाकर 7 तक के जो इंडेक्स है वो 5 को एलोकेट हुए होंगे। कुछ इस टाइप से ये मेमोरी एलोकेशन होता है, जिसे हम पॉइंटर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शन में एरे को यूज करने के लिए
एज अ पैरामीटर हम एरे को भी पास कर सकते हैं और उसके पॉइंटर को भी पास कर सकते हैं। हम यहाँ पे दोनों टाइप के फंक्शंस बनाएंगे। पहले वो फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम पैरामीटर में एरे को ही लेंगे, तो वही डेटा टाइप का फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम चेक रखेंगे। इसमें इंट ए आर आर हमारा एरे आएगा और एरे की साइज भी मेंशन करना कंपलसरी होता है क्योंकि एरे की साइज को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हम एरे के थर्ड इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को रीअसाइन करते हैं, तो जब हम इस फंक्शन को मेन फंक्शन से कॉल करेंगे चेक और ए आर आर और इसकी साइज 6, फंक्शन कॉल करने के बाद अगर हम एरे के थर्ड इंडेक्स को प्रिंट करेंगे तो जो चेंजेस हमने वहां पे किए हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। चेक करते हैं, क्योंकि एरे को जब हम फंक्शन में पास करते हैं तो उसकी कॉपी कभी क्रिएट नहीं होती, उसका मेमोरी एड्रेस ही जाता है, तो जो चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे वो हमें मेन फंक्शन में या किसी और फंक्शन में हमेशा रिफ्लेक्ट करेंगे। अब यदि हम फंक्शन में एज अ पैरामीटर अगर पॉइंटर को भेजें तो यहाँ पे एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे इंट स्टार पीटीआर, एरे के जीरोथ इंडेक्स का एड्रेस स्टोर होगा। और अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करें void check one और इसमें पैरामीटर में हम इस पॉइंटर को लेने वाले हैं, तो इंट स्टार पीटीआर और एरे की साइज कंपलसरी है। इसके बाद एरे की किसी इंडेक्स का एड्रेस कैसे ले सकते हैं हम, पीटीआर प्लस 4। इस टाइप से हमने एरे के फोर्थ इंडेक्स का एड्रेस एक्सेस कर लिया है। अब वहां पे रखे हुए एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम इसे ब्रैकेट्स में रखने के बाद आगे डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे तो वहां पे रखी हुई वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब उस वैल्यू को रीअसाइन करेंगे हम, और अब इस फंक्शन को अगर हम कॉल करेंगे यहाँ पे चेक वन और पीटीआर को एज अ पैरामीटर पास करेंगे और एन हमारे पास नहीं है यहाँ पे, साइज 6 है। इसके बाद अगर हम एरे के फोर्थ इंडेक्स को प्रिंट करेंगे तो सी आउट ए आर आर ओ 4, तो जो चेंज हमने यहाँ पे किया है वो हमें वहां रिफ्लेक्ट होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे एनिमेशन की हेल्प से। आपके लिए वीडियोस कितने हेल्पफुल हैं प्लीज कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।